ओम शांति। सब बोलिए ओम शांति। इस सर्व बंधनों से मुक्त करने वाला कौन है? वो है मेरा पिता परमात्मा। कहता है, हे आत्माएं, अब तुम सभी ईश्वरीय बंधन में बन जाओ तो मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। देखो जरा, ईश्वरीय बंधन में बन जाओ प्यार के, तो मैं तुम्हें सब बातों से आजाद कर दूंगा। कितना बड़ा हमारे मन का ही बंधन है। है मन का बंधन, हमारी देह का ही बंधन है, हमारे संबंधियों का भी क्या है हमारे ऊपर बंधन है। हम अच्छे काम के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो लोग क्या लगाते हैं, बंधन लगाते हैं ना, अच्छे काम करने नहीं देते हैं। या जो भी हम अपनी मन की कोई भी चीज़ को करना चाहते हैं पूरा, वो भी नहीं करने देते हैं। तो कैसे हम निर्बंधन बन सकते हैं, उसके लिए ईश्वरीय बंधन है, उसके लिए सत्संग है, सच्चा संग है। आज जो आपको मिल रहा है, इस पर भी एक कहानी याद आ रही है सत्संग के ऊपर, कि एक बहुत बड़े साधु थे, पहुंचे हुए थे, गांव में रहते थे, चारों ही तरफ उनका बहुत नाम था। रात को वो सत्संग करते थे तो दूर दूर से गांव के लोग उनका सत्संग सुनने के लिए आ जाते थे। उसी गांव में एक रहती थी माता, उसको ये पता चला कि ये साधु जी बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं, मुझको भी जाके इनका सत्संग सुनना चाहिए। और वो पहुंची, बहुत धनवान थी, और जब वो सत्संग में पहुंची तो चोरों को पता चल गया कि ये माता है कलावती, ये जा रही है सत्संग में, ये बहुत धनवान है, इसके घर में ये समय लूटने का है, इसके घर में जाके इसका धन लूट के ले आए। चोर पहुंच गए उसके घर में, एक नौकरानी को छोड़ गई थी। नौकरानी ने देखा कि इधर वो गई हुई है, इधर वो चोर आ गए हैं, मैं रानी उसको जाके कलावती को बताती हूँ जाकर। और वो धीरे से उसके पास वहाँ पहुँच गई, दूर से इशारा कर रही आ जाओ। उसका ध्यान ही नहीं है कि उसकी, उसका पूरा ध्यान किसकी तरफ था, सत्संग सुनने की तरफ था। ध्यान मग्न होकर के वो महात्मा जी का सत्संग सुन रही थी, देखा कि उसका जो चोरों का सरदार है वो वहीं पहुंच गया कि रानी इसको बता देगा कलावती को और मेरी चोरी क्या हो जाएगी, रह जाएगी। तो जब देखा वो सुन नहीं रही है तो उसकी नौकरानी उसके पास ही पहुंच गई और कहा कि तुम यहाँ सत्संग सुन रही हो, तुम्हारे घर चोर आए हुए हैं। उसका कोई ध्यान कोई चोर की तरफ नहीं, ना नौकरानी की बात सुनने की तरफ, वो सत्संग सुन रही है ध्यान से। उसने कहा तुम भी बैठ जाओ, और उसको भी बिठा दिया सत्संग में। उधर से वो चोर का सरदार जो था वो देख रहा था, कहा इसने बताया और खुद भी ध्यान भंग नहीं किया और नौकरानी का भी ध्यान भंग नहीं होने दिया, उसको भी बिठा दिया, तो जरूर इस सत्संग में कुछ आनंद है, तो मुझे भी सुनना चाहिए। तो उसका सरदार भी बैठ गया, जरूर कुछ प्राप्ति है, इतना चोरी का जानकारी होते हुए भी ये कहीं उठ नहीं रही है, उसको भी बिठा दिया है तो मुझे भी ये क्या करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। वो भी बैठ गया सत्संग सुनने के लिए। और जैसे जब महात्मा जी का सत्संग सुनता रहा तो उसकी
आत्मा की ज्योति जग गई, आत्मा का बोध हो गया, मीन्स ज्ञान हो गया। और आत्मा के ही अंदर जब पता चला कि उसी के अंदर खुशी है, उसी के अंदर शांति है, उसी के अंदर पवित्रता है, उसी के अंदर ही आनंद है, जो कुछ भी है वो सब आत्मा के अंदर है। जैसे वो महात्मा जी ने उनको आत्मा का ज्ञान दिया, आत्म जागृति हुई उस चोर की, तो उसका तो कपाटी क्या हो गया, खुल गया। और जैसे सत्संग पूरा हुआ तो वो उस माता के चरणों पे गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं क्षणिक आनंद, क्षणिक देह का भौतिक सुख के लिए मैं चोरी कर रहा था। इस चोरी से, इस धन से कितनी प्राप्ति मैं कर पाता, थोड़े समय के लिए मैं शरीर निर्वाह कर लेता और थोड़े समय के लिए मुझे सुख मिल जाता, लेकिन आज तो मुझे जो हमें आत्मा का ज्ञान मिला है, ये तो मुझे सदा काल के लिए मुझे क्या दे रहा है, सुख दे रहा है। आत्म जागृति का जो ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान का पट खोल दिया और मैं प्रकाश में आ गया, आज आपने मेरा बहुत बहुत कल्याण कर दिया। तो उसके वो चोर भी आ रहे थे, उन्होंने भी सुना कि मेरे चोर के जो बहुत बड़े सरदार हैं, इनको क्या मिल गया। तो उन्होंने इन चोरों को भी बताया कि जितना जिस आत्मा को सत्संग से जो फायदा है और जो परमानेंट खुशी है, वो सत्संग से ही हो सकते हैं।